लालू यादव को क्या मोदी और अमित शाह जेल में ही रखना चाहते हैं? जेल से निकलते ही लालू यादव के पीछे क्यों पड़ गई सीबीआई? दिल्ली से किसके इशारे पर सीबीआई पटना तक दौड़ लगा रही है? चारा घोटाले में लालू यादव 7 बार जेल जा चुके हैं। मोदी सरकार आने के बाद से लालू यादव का ज्यादातर वक्त या तो अस्पताल में गुजरा या फिर जेल के अंदर गुजरा। जेल से बाहर आने के लिए लंबे समय से लालू यादव इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जमानत पर बाहर रिहा हुए एक साथ लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर सीबीआई ने धावा बोल दिया। दिल्ली से भोपाल और पटना से गोपालगंज तक लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सबूत इतने तगड़े मिले हैं कि जानकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। आरोप है कि चपरासी वाले घर में रहने वाले लालू यादव 15 साल के अंदर करोड़ों की जमीन के मालिक कैसे बन गए? कहा जाता है 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, इस दौरान ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले में जमीन लिखवा लेते थे। ये सारी जमीन प्राइम लोकेशन पर है, मतलब सबसे अच्छी जमीन। ये जमीन पहले किसी तीसरे शख्स के नाम कराई जाती थी, इसके कुछ साल बाद ही तीसरा शख्स लालू यादव को जमीन दान कर देता था। आरोप है कि लालू यादव ने इसी तरह से रेल मंत्री रहते हुए गलत तरीके से रेलवे में सैकड़ों लोगों की नौकरी लगवाई थी। उस दौरान अंदर ही अंदर एक नारा चलने लगा था, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बीजेपी और जेडीयू ने इसे मुद्दा बनाया और सीबीआई तक शिकायत पहुंच गई। इसके बाद सीबीआई वो जांच शुरू करती है जिसके बारे में लालू यादव ने भी शायद कभी नहीं सोचा रहा होगा। लालू यादव के पिता किसान थे, भाई को चपरासी की नौकरी मिलने के बाद लालू भाई के चपरासी वाले क्वार्टर में रहने लगे थे। इसके बाद राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बनने तक कहा जाता है कि उसे चपरासी वाले घर में रहा करते थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि इस वक्त लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड है, 30 फ्लैट हैं और करीब 6 मकान के मालिक है लालू यादव। 15 से 20 साल के अंदर लालू परिवार इतनी जमीन का मालिक बन गया। कुछ आंकड़ों के मुताबिक लालू यादव परिवार इस वक्त 177 प्रॉपर्टी का मालिक है। सीबीआई लालू यादव के अलावा पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई को इस मामले में नए सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई को अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक मीसा भारती के खास राजेश अग्रवाल के पास साल 2008 में करोड़ों की नकदी आई थी। 27 मई 2008 को 60 लाख और 3 जून 2008 को 21 लाख की नकदी आई। हवाला के जरिए पैसा लालू यादव के परिवार तक पहुंचाया गया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव 7 बार जेल जा चुके हैं। रेल मंत्री रहते हुए जमीन कब्जाने के मामले में अब सीबीआई ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लालू यादव परिवार एक बार फिर से इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि चपरासी वाले घर में रहने वाले लालू परिवार के पास 177 प्रॉपर्टी कहां से आ गई, क्या इसका जवाब लालू यादव दे पाएंगे? आरजेडी आरोप लगा रही है कि सीबीआई मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रही है और इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन इस बात पर कितनी सच्चाई है इसे ऐसे समझिए कि योगी आदित्यनाथ भी गरीब परिवार से आते हैं। योगी आदित्यनाथ का परिवार आज भी गरीबी की जिंदगी में जी रहा है, लेकिन लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा परिवार राजाओं की तरह जिंदगी जीने लगा। ये पैसा कहां से आया, सीबीआई इसका जवाब खोज रही है। लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई क्या सही है या फिर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। नियो टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।